Welcome everyone to the Vipin Sharma School Sessions, and this is going to be a session number, I don't remember even, it has crossed hundreds, okay. So, first of all, I am very grateful to Honorable Principal Mukesh Thakur sir, who had given me an opportunity yesterday and who had given me an honor with the Himachali cap, and a big round of applause for your Honorable Principal. And secondly, I am grateful to the teaching fraternity of DAV Ambuja, and the DAV Ambuja teachers, Ajay sir, your science teachers, Vivek sir, Tanisha ma'am, I met them all. You've got a wonderful, extremely hardworking bunch of teachers. That's why they're the part of the DAV Ambuja. And dear students, what is the purpose of this session? The purpose of this session is the school system promotion. The purpose of this session is to tell you that self-study is the only key which holds the success. And nobody can be your best teacher unless you create the best teacher in yourself. Nobody can be your best student unless you create the best student in yourself. So say with me one line, a good teacher is always a good student. Hope it is clear. So first of all, the stress, somebody puts me a question in the YouTube comment, sir, what is exam stress? Ab maine usse pucha, dar ke aage? वेरी गुड, जो डर गया समझो मर गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप आएंगे? आप यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज लोचन शुक्ला। ओके, एंड यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास। स्कूल नेम? डीएवी अंबुजा विद्यानिकेतन धावला घाट। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। सो मिस्टर शुक्ला, माय क्वेश्चन इज टू यू, शुड वी हैव अ मॉड इंग्लिश और हिंदी? और इंग्लिश। ओके शुक्ला जी, एक क्वेश्चन है मेरा। यू जस्ट सेड ऑल, डर के आगे जीत है, और मैंने बोला जो डर गया समझो घर गया, मर गया, घर भी गया, मर भी गया। जो बंदा मर ही गया वो क्या जीतेगा भैया? तो हम चेंज करें, डर के आगे हार है, डर के आगे हौसले के आगे है। जो बंदा डर ही गया उसका हौसला ही नहीं है, वो जीतेगा क्या? आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे को बॉल मारेगा मेरे सिर में, मम्मी माउट। ओके, तो आगे आप एग्जाम में चले गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन ओम्स ला, हरिओम हरिओम मेरे को तो पता ही नहीं। ओके, डर गया मैं तो, चलो डर को दूर करने के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्थी लोग जागर, राम नाम तुलित बल धामा अंजनी पुत्र, हनुमान जी हेल्प करो। हनुमान जी बोलते बेटा, आई विल हेल्प यू ओनली व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ। तूने पढ़ा फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तूने पढ़ा वी इज इक्वल टू आई आर, तूने पढ़ा आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, पढ़ा ना? वी अपॉन आई इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज कॉल्ड ओम, पढ़ा ना? तो फिर बेटा जब आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा तो लिख दो, हनुमान जी विल से आई एम सॉरी सन, I will help you only when you go and work out. Even Hanuman ji has worked out for the Lord Rama, right? So, beta, jindagi mein dar ke aage jeet hai, haar hausle ke aage jeet hai. To ye ek first reason hai stress ka, kya? Dar ke aage haar. Ha, us bande ki haar tay hai. Puchho kyun? Wo pee kya raha hai? कोल्ड ड्रिंक, उससे ना तो मसल बनने वाले हैं, ना उससे कोई प्रोटीन मिलने वाला है, ना उससे कोई ब्रेन को एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स की वर्किंग कैपेबिलिटी मिलने वाली है, तो मल्टीपल थिंग्स आर नॉट देयर, तो वो पियो उसके आगे हार है। माय डियर किड्स, एग्जाम स्ट्रेस इज आल्सो रिलेटेड टू द फूड, व्हाट इज योर फूड हैबिट्स। अब एक बंदा बोलता मैं बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा हूं, अच्छा मैं क्या खाया? मैंने सुबह मोमोज खाए थे और उसके बाद फिर मैंने कुरकुरे, आई लव कुरकुरे, ओके नाचोस, ओके
भाई स्ट्रेस क्या है, ये फूड से भी है। स्ट्रेस क्या है, ये नॉन प्रिपरेशन से भी है। स्ट्रेस क्या है, ये एनवायरमेंट से भी है। कैसे, आप दो दोस्त एक दूसरे को जानते हो, और तेरी भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बट अभी इतनी अच्छी भी नहीं है। अच्छा तो क्या कर क्या रहा है? यार भाई बस लगाऊं। अच्छा अगले दिन सर ने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए, उस भाई के मार्क्स पता कितने आए, 100 में से 96, और जिस जो पूछ रहा था उसके मार्क्स आए 46। अब उसके अंदर क्या आ रहा है कि यार ये बंदा कितना डिप्लोमेट है, मेरे को बोल रहा था मेरी पढ़ाई तो ठीक ठीक चल रही है और इसके मार्क्स है 96, मेरे मार्क्स है 46। तो अगले दिन आप घर जाओगे, पेरेंट्स से बोलोगे कि मम्मा वो ना सारा दिन बोलता रहता है या वट एवर इज कि मेरी तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। अरे बेटा उसकी माँ भी ऐसी है, ये पूरे माँ बेटा रोते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसके पास सूट्स हैं, सबसे ज्यादा उसके पास साड़ीज हैं, सबके ज्यादा उसके पास ज्वेलरी है, और यही बेटे का हाल है। अब ये चीजें जो हमारी सोसाइटी में लगती है, ये इंडिया के किसी चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, एम आई राइट? ये जो बातें हमारे घर में चलती हैं, वो बात तो खत्म हो गई। एक शायर ने बोला, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। वो ऑब्वियसली उदासी का, आपको क्या जरूरत है पूछने की, भाई तेरी स्टडीज कैसी चल रही है, तुम अपनी बात करो ना। कोई ऐसा है सीबीएसई में नॉर्म्स कि दूसरे की पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो आपको जानता है तो आपको 10% फालतू मिल जाएंगे कि जी ये मेरे को जानता है, इसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे 10% ज्यादा दे दो। ऐसा होता है क्या? मेरे बच्चे मेरे साथ बोलो, वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन, अ टीचर is however a positive catalyst who increases rate of observation. Thank you. आप इस बात से सहमत हो? अब मैं आपको hope the session is going to rock. मैं वो बातें करने आया हूं जो है और जिसको कोई टच नहीं करता और जिसका कोई डेयर ही नहीं है कि कोई बंदा बोले कि जी मैं ऑनर्ड बाय 16-17 टाइम्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। बंदा बोले यार ये कैसी बात कर रहा है, बात ही समझ में आती है। इफ आई कम टू हियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वो तो मेरे को भी पता है। यू हैव टू पे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वो तो मेरे को भी पता है। यू हैव टू मेक योर बेसिक्स क्लियर, वो तो आपको भी पता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर, मेरे को भी पता है। यू शुड नॉट लाई, वो तो मेरे को भी पता है। एक इंडिया में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, अपन झूठ नहीं बोलता। मैं ही बोलता हूं भाई, मैं 100 लोगों को मिलता हूं, 99 लोग बोलते हैं हमसे ज्यादा सच्चा बंदा तो इंडिया में नहीं कोई, फिर भी इतना झूठ। अरे जो बंदा बोलता है ना मैं झूठ बोलता हूं, वो सबसे ज्यादा सच बोलता है, कम से कम वो एडमिट तो कर रहा है वो झूठ बोलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम स्ट्रेस क्रिएट होती है जब हम अपना कॉम्पिटिशन किसी दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं करना। बेटा जब थक जाओगे तो मैं किसी और की ड्यूटी लगाऊंगा, आपने बोल देना ठीक, और जिद नहीं करनी कि अभी मैं थका नहीं है, मैं अगर थक गया तो ठीक ठीक है। मैं ट्राइपॉड इसलिए नहीं लेके आया, मैं ट्राइपॉड पे सिर्फ मैं ही विजिबल होता हूँ, और मुझे आपको भी याद रहेगा जब आप यूट्यूब पे देखोगे सर की वीडियो ने बनाई थी राइट, तो एक मेमोरी रहती है। जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे 90 ईयर्स ओल्ड, इवन देन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन बोला ये वीडियो मैंने बनाई थी राइट। ओके तो यस बेटा, माय ऑल लेक्चर्स आर ऑन द यूट्यूब एंड ये आवाज भी यूट्यूब पे आएगी ये। सो एक्चुअली माय पर्पस इज नॉट डीएवी, इसको रहने दो, माय पर्पस इज नॉट डीएवी अंबुजा, इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। माय पर्पस इज नॉट डीएवी अंबुजा, माय पर्पस इज दैट एवरी स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग दिस एंड ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक यू, पूरे देश में सभी बच्चों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल से टेंशन होती है, सभी देश में सभी बच्चों को मैथ्स बहुत इरिटेट करता है, और जिसको मैथ्स इरिटेट करता है, अब इसको दे दे थोड़ी देर के लिए आजा, जब मैथ्स बहुत इरिटेट करता है तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली इरिटेट करेगी। ओके तो एग्जाम स्ट्रेस होता कहां से है, एग्जाम स्ट्रेस होता कहां से है, जब हम अपना कॉम्पिटिशन किसी दूसरे के साथ करते हैं और उसके बाद सोसाइटी में उसके बाद सोसाइटी में रुके रहो उसके बाद सोसाइटी में आप क्या करते हो,